Hello everyone, how are you? I hope you all be fine. Today we are here to do the lesson of third class, living and non-living things. There are two parts in the EVS book of the third class. The first part is EVS and the second is science. And the first chapter of science is living or non-living things. First of all, हम living and non-living things की definition करेंगे, ठीक है? ताकि आपको एक्सप्लेन में समझ आ जाए कि एक्चुअल में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, व्हाट इज लिविंग थिंग्स? थिंग्स व्हिच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, एग्जांपल ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन थिंग्स में लाइफ होती है, दैट्स मीन कि जो सांस लेती है, ठीक है, जिनमें लाइफ होती है, जीवन होता है, उन्हें लिविंग थिंग्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स में हम आते हैं, ठीक है, चाहे कोई छोटा बच्चा है, बड़ा है, लेडीज है या जेंट्स है, गर्ल है, बॉय है, सभी ह्यूमन बींग में आते हैं और सभी में लाइफ होती है, ठीक है, और सभी सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए ह्यूमन बींग। सेकेंड है एनिमल्स। आपके घर में एनिमल्स होंगे, आपके पेट्स होंगे, डॉग्स। तो आप नोटिस करना कि जो आपके एनिमल्स हैं, काउज हैं या डॉग्स हैं, वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, ठीक है। तो डेट मीन्स वो भी लिविंग थिंग्स हो गई क्योंकि उनमें भी लाइफ है। एंड थर्ड, प्लांट। प्लांट भी हमारी तरह सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। बट प्लांट्स, ह्यूमन और एनिमल, इनमें वन डिफरेंस है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स तो जो ऑक्सीजन है वो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। बट प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिविंग थिंग्स। एंड द सेकेंड इज नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स? थिंग्स व्हिच हैव नो लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, एग्जांपल बस, कार, फैन, चौक एक्सेट्रा, ठीक है। अब नॉन लिविंग का उल्टा नॉन लिविंग, यहाँ लाइफ है, यहाँ नो लाइफ, ठीक है। लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स क्या थी? विच हैव लाइफ। बट नॉन लिविंग थिंग्स में उसका अपोजिट आ जाएगा, थिंग्स विच हैव नो लाइफ, ठीक है। तो इसमें कौन से एग्जांपल दिए हुए हैं? बस, कार, फैन। अब फैन, आप सबकी सभी के रूम्स में फैन होता है, तो आप नोटिस करना क्या फैन भी हमारी तरह सांस लेता है? नहीं, क्योंकि फैन में लाइफ नहीं है, ठीक है। अब फैन सांस नहीं लेता, डेट मीन्स उसमें लाइफ नहीं है। और भी आपके घर में चीजें होंगी, जैसे टीवी हो गया, है ना, बेड हो गया, बुक्स, पेंसिल, ये सभी जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, ये मैनमेड थिंग्स है, ये सांस नहीं लेती है, ठीक है। तो ये तो थी डेफिनेशंस, ठीक है। अब हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। द फर्स्ट डिफरेंस इज ब्रीथ। लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो सांस नहीं लेती हैं, लिविंग थिंग्स जो है सांस लेती हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया है अभी, जैसे फैन नॉन लिविंग है तो वो सांस नहीं लेता, ब्रीथ मींस सांस लेना, ठीक है। सेकेंड, कैन मूव, ठीक है। लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकती हैं। मूव कैसे कर सकती हैं? कि हम अपनी मर्जी से जहां मर्जी, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे बुक है, जहां आपने रखी है वहीं पड़ी रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी जब तक आप उसे लेके नहीं जाओगे, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकती और लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकती हैं। द थर्ड इज नीड फूड, डू नॉट नीड फूड। तो ये थर्ड पॉइंट है कि लिविंग थिंग्स को फूड की नीड होती है, डेफिनेटली होती है। हमें सारा दिन जब भी हम हंग्री फील करते हैं हम फूड लेते हैं, ठीक है। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें फूड की कोई नीड नहीं होती है, वो फूड नहीं खाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रो, डू नॉट ग्रो। ग्रो मीन्स कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो टाइम टू टाइम ग्रो करती रहती हैं, ठीक है। जैसे आप हो, आप अपनी अब आप थर्ड क्लास में हो, आप 10-12 ईयर्स के होगी, है ना। आप अपनी 4 या 5 ईयर्स की आप अपनी पिक्चर लेके देखना, आप उसमें थोड़े छोटे थे और थोड़े अलग दिख रहे थे, है ना। तो अब आप थोड़े उससे अलग हो गए, और 5 ईयर्स के बाद आप इससे भी अलग हो जाओगे, ठीक है। तो ये होता है ग्रो करना, समय के साथ साथ बढ़ते रहना। और नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करेंगी। सपोज अगर आपने एक पेंसिल ली है, आप उसे रख दो,
ठीक है, अगर आप उसे यूज नहीं करते हो तो 1 ईयर के बाद भी वो आपको उतनी ही मिलेगी, वो ना बढ़ेगी ना घटेगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्ट टू चेंज इन एनवायरनमेंट एंड डू नॉट रिएक्ट। लिविंग थिंग्स जो है वो एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करती हैं। कैसे? जैसे हम विंटर आती है, ठीक है, तो विंटर में हम विंटर वाले क्लोथ्स डालते हैं। अगर हम विंटर में समर वाले क्लोथ्स डालेंगे तो हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, मीन्स हमें ठंड महसूस होगी। ठीक है, तो हम मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े डालते हैं, मतलब हमें जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट करता है। ठीक है, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ऐसा कोई क्वालिटी नहीं होती, उनपे कोई भी सीजन आ जाए उनमें कोई उस चीज का इफेक्ट नहीं होता। रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस, ठीक है, लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन की जो है वो भी क्वालिटी होती है कि लिविंग थिंग्स की जो जनरेशंस हैं वो आगे आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, जैसे ग्रैंडफादर से फादर, फादर से आप से आप, आगे आपकी फैमिली। ठीक है, उसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, उनमें ये क्वालिटी नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। ठीक है, ये था डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। थैंक यू एंड स्टे होम स्टे सेफ।